हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं अपना वीकेंड का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि वीकेंड में मैं क्या क्या करती हूँ। एक्चुअली नाश्ता हम लोग कर चुके हैं और नाश्ता जो है हम वही करते हैं, हम ओट्स का नाश्ता करते हैं, बहुत लाइट सा नाश्ता करते हैं। उसकी वीडियो मैं मॉर्निंग ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ कि हम नाश्ता कैसे करते हैं। और नाश्ता करने के बाद मैं भी खाना वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि मेरा खाना बन रहा है और खाने में तीन मज़े की चीज़ें बन रही हैं, काबली पुलाव और मेरी मटन की करी, जिसको मैं अपने जमाने में कहती हूँ रोगन जोश, लेकिन वो मेरे स्टाइल में है। और तीसरी मैं बना रही हूँ बेसिकली मलाई टिक्का कह सकते हैं उसको। हर दफ़ा कोशिश करती हूँ कि वीकेंड में भी कुछ स्पेशल खाना बने और एक स्पेशल फीलिंग दूँ फरकान को, अपने बच्चों को, ताकि वो इंजॉय करें, वाओ वीकेंड है, मज़ा आ रहा है, मज़े का खाना। तो फिर लेट्स गो। ये है मेरा काबली पुलाव, ये सब दम हो चुका है, लेकिन जो उस पर गाजरे हैं वो मैंने सब तैयार रखी हुई, गाजरे मेवे वगैरह काबली पुलाव के लिए, वो मैं बिल्कुल एंड पे ट्रे के बढ़ा दूँगी गार्निश के लिए। और ये है मेरी मटन की करी जो भी बन रही है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खाना बना रही हूँ तो मेरे बच्चे और फिर कान कहाँ पर हैं, तो मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे इंजॉय कर रहे हैं भाई। जी हाँ, तो ये भाई मदद से इंजॉय कर रहे हैं, फरकान इनको साइकिल सिखा रहे हैं। ये कितनी अच्छे तरीके से आर्यन और अहिल साइकिल चला रहे हैं, तो कितने अच्छे तरीके से अभी आर्यन मोड़ मोड़ेगा और फिर अहिल, ये देखें अहिल, ये तकरीबन दूसरी बार है और ये इतना ब्लिंक हो गया, और आर्यन की दूसरी बार है बड़ी साइकिल पर, और दोनों इतने साइकिल होकर तो खुद ही चलाता है। ये मेरी मटन करी हो गई है तैयार। जी हाँ गाइस, खाना हमने खा लिया, खाना बहुत मज़े का था और फुकान को बहुत 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 अच्छा लगा। मैं पहले तैयार हुई थी और अब मैंने अपना मेकअप सब उतार दिया। बेसिकली मैंने मेकअप नहीं किया था, मैंने सिर्फ काजल लगाया था और हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी, मैं ज़्यादातर मेकअप नहीं लगाती। और खाना खाने के बाद मैंने बच्चों को नहलाना था, उनको सही मज़े से फ्रेश हो, हल्का मतलब ये नॉर्वेजियन जमाना है, इसका मतलब ये वीकेंड, तो वीकेंड में वो फिर नहा के फ्रेश होकर वो मज़े सोएंगे और हम मज़े से रात को फिर इन्जॉय करेंगे। अभी हो गया है चाय का टाइम और मैं फुरकान के लिए बनाने लगी हूँ बेसिकली कॉफ़ी। वो चाय कब पीते हैं, ज़्यादातर कॉफ़ी पीते हैं, तो उनके लिए कॉफ़ी। और मैं आज पी रही हूँ जिसे कहते हैं लाते मखीतो, वो मैं पीऊँगी। उसके लिए देखिए मैंने पहले से जो है ये इसके अंदर आपने दूध फिल करना होता है और उसको आपने मशीन में रखना होता है, तो मैं अभी ये इसके अंदर डाल के इसको बंद करूँगी और इसको मैं मशीन में डालूँगी और फिर वो दूध और कॉफ़ी और पानी की जितनी क्वांटिटी हम चाहते हैं, अगर ज़्यादा कॉफ़ी चाहती हूँ मैं तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो ये मशीन हमारी बहुत अच्छी है, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊँगी, बहुत अच्छी मशीन है और बहुत महंगी भी है। इन फुरकान से उनको कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो स्पेशली ये फुरकान के लिए कॉफ़ी मशीन है। अभी दोनों भाई जो है नहा के फर्श को तैयार हो गए हैं, आइए जब डॉक्टर बना हुआ, पहले आ ही डॉक्टर बना था फिर आए डॉक्टर बना हुआ है, क्योंकि दोनों से नहा के फर्श को तैयार पर प्यारे प्यारे भी हो गए, प्यारे प्यारे भी। अभी मैं अपनी लाते मखीतो इंजॉय करूंगी
और ये था मेरा वीकेंड का ब्लॉग कि हम वीकेंड में क्या करते हैं। वीकेंड में हम जो है मतलब खाने बनाते हैं और बच्चों से एक्टिविटी करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो लोग इन्जॉय करें, उनसे खेलें और उसके बाद मैं उनको मदद से सुला के और फिर मैं और खाना पटा इन्जॉय करते हैं, कोई फिल्म देख लेते हैं। तो ये थी मेरी वीकेंड की रूटीन। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़।